चाहिए। सभी लाइन में बोलूंगा बेरोजगार साहब, इसको अब मैं ना बोलकर आप बोलेंगे, ठीक है भाई। जेब में पैसा नहीं डिग्री लिए फिरता हूँ, जेब में पैसा नहीं डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी ही नजरों में गिरता हूँ, दिनों दिन अपनी ही नजरों में गिरता हूँ। कामयाबी के घर खुला कीवाड़ चाहिए, बेरोजगार हो साहब दिन रात एक कर कर मेहनत बहुत करता हूँ, दिन रात एक करके मेहनत बहुत करता हूँ, सूखी रोटी खाकर चैन से पेट भरता हूँ, सूखी रोटी खाकर चैन से पेट भरता हूँ, फिर भी ना जाने ठुकरा दिया जमाने ने, फिर भी ना जाने ठुकरा दिया जमाने ने, भ्रष्टाचार से लोग भरोसा नहीं किया मेरे टैलेंट आजमाने में, भरोसा नहीं किया मेरा टैलेंट आजमाने में, भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई खूब उड़ा रहे हैं, रिश्वत की कमाई खूब उड़ा रहे हैं, नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए, बेरोजगारों साहब रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं भारत की सड़कों पे, टैलेंट की कमी नहीं भारत की सड़कों पे, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पे, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पे। लिखते लिखते मेरी कलम घिस गई साहब, लिखते लिखते मेरी कलम घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई साहब, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई, नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, बेरोजगार साहब रोजगार चाहिए। ऐसे ही भाई आज स्थिति यहाँ की ये आ चुकी है कि बाप बेटे को सड़क पे बैठना पड़ गया है, बाप बेटे से कहने का मतलब मेरा ये है, उधर किसान बैठे हैं तो इधर उनके लड़के बेरोजगार बैठे हैं। भाई आपको एक चीज और बताऊंगा सभी को कि आदमी जब तक कहीं किसी मुहिम में जगह जगह नहीं जाए, धरती पे उतर के नहीं देखे स्थिति क्या है, कुछ नहीं। अरे मैं तो ये बोलता हूँ चलो जो हो गया हो गया, एक बार तो योगी जी बोलते हैं कि बेटे तुम मेरे हो, मेरे पास आओ, टेबल टॉप करो, मुझे समस्या बताओ, तुम मुझे नहीं बताओगे तो कहाँ जाओगे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी की सुनी गई भाई। अरे जो हम तुम्हारे राज्य के जिम्मेदारी तुम्हारी है, और सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा जो मुझे गुस्सा आता है उन जातिवाद के ठेकेदारों का आता है, जो टाइम पे मेरे घर आते हैं कहते तू ब्राह्मण का बच्चा है तेरे साथ हम खड़े हैं तो टेंशन मत ले, लेकिन आज कहाँ है ब्राह्मण के ठेकेदार, कहाँ है जाट के ठेकेदार, कहाँ है गुज्जर के ठेकेदार, कहाँ रह रहा है, आज आए हमारे साथ धंधे में बैठे एक बार आके, एक बार तो आए भाई, कोई तो बैठे अपने बच्चों के साथ बैठने को बड़ा उसमें बोलता है क्या, लेकिन कोई नहीं सुनेगा भाई। धरने के कौन आता है, तुम कुछ सोचो किसकी स्थिति बनती है धरने पाने की, एक राज्य उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाई, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, लेकिन स्थिति इतनी माड़ी है कोई सुनने को तैयार नहीं होता।